लोगों के मन की बात पढ़ने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में वो ग्रेटर नोएडा आए थे, जहां उनसे मिलने के लिए लाखों लोगों की भीड़ आई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा बागेश्वर लोगों के मन की बात पढ़ने के लिए कितने रुपए लेते हैं? बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री की नेटवर्थ कितनी है, या क्यों उनकी कथा में लोगों की इतनी भीड़ उमड़ रही है? तो आइए आपको बताते हैं बाबा बागेश्वर की कमाई कितनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पूजा चौहान। बाबा बागेश्वर के धाम में भोजपुरी एक्ट्रेस आशीर्वाद लेने पहुंची थी। अक्षरा सिंह की टोटल नेटवर्थ की बात करें तो एक्ट्रेस 25 करोड़ की मालकिन है। वही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाबा बागेश्वर की नेटवर्थ 19.50 करोड़ रुपए है। वो कथा प्रवचन और मन की बात पढ़कर कमाई करते हैं। लाखों सनातनी लोगों के विश्वास से बाबा को हर साल काफी चढ़ावा भी मिलता है। अनुमान के मुताबिक बाबा की एक कथा 15 दिन तक चलती है, जिसके लिए उनके फीस करीब 1 से 1.5 लाख रुपए है। बाबा बागेश्वर हर महीने 3.5 लाख रुपए की कमाई करते हैं। वहीं रोजाना करीब 8,000 रुपए कमाते हैं। बाबा के पास उनका अपना एक पुराना घर है, गदा और एक प्याला है, जो वो अपने साथ हमेशा रखते हैं। बाबा लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। कोई भक्त अपनी समस्या लेकर उनके पास आता है तो वे पहले ही उसे कागज पर लिख लेते हैं और उसका समाधान भी बता देते हैं। बागेश्वर धाम के सरकार का कहना है कि ये ध्यान विधि का नतीजा है, जो सनातन धर्म की सदियों पुरानी परंपरा है। अपनी शक्ति के जरिए वो भक्त की समस्या जानकर उसे कागज पर लिख लेते हैं। हनुमान जी की कृपा से वो सही हो जाता है। हनुमान जी की गदा की तरह दिखने वाला ये मुग्धर हमेशा बागेश्वर महाराज के साथ रहता है। उनका कहना है कि इसी मुग्धर से उन्हें शक्तियाँ मिलती हैं। बाबा के इन दावों का असर उनके दरबार में लगने वाली भीड़ से लगाया जा सकता है। दूर दूर से भक्त अपनी समस्याओं के निदान के लिए बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बाबा की फैन फॉलोइंग बढ़ी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शुक्रिया।